अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजी राजपूत और आप देख रहे हैं वाजिद खान ऑफिशियल में पापे दी बैठक। जी आइए आज फिर पापे से कुछ गपशप करते हैं। हाँ जी पापा जी, क्या हाल है? शुक्र है यार अल्लाह का। तू सुना रजी, ठीक है? करम है अल्लाह पाक का। काम शाम ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं सब तो पहले दस के है जो वाजिद खान ऑफिशियल है, ऐसी वीडियोस लोग लाइक कर रहे हैं बहुत, अल्लाह का शुक्र। अच्छा और जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लोग नहीं कर रहे थे मैं दस, जरा मेरे बड़े दोस्त ने SHO मैं मुख्तलिफ इलाके बंदे की कोई छोड़ सका, ओए करो करो सब्सक्राइब। यार ये SHO वगैरह का काम नहीं है, ये उनका काम है जो ये इस चीज को लाइक करते हैं। चलो जेड़े भी ने लाइक करने या नहीं करने यार तुसा नी मेहरबानी है सब्सक्राइब करो यार, तुसा की वीडियो मिलसन नवीं नवीं पापे ना तजसिया मिलसी और के लेना तुसा। हाँ ये बात है। अच्छा पापे हम डिस्कस करते हैं हमारी शुरू। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को फोन किया। जी तुम्हें कुछ पता है उन्होंने क्या बात की होगी आपस में? नहीं नहीं मैं सुता सा जी। अच्छा हाँ मैं बड़ा कुहक सुता सा, मैं कोई पता नहीं, मैं दुनिया का पता ही नहीं दुनिया किधर जा रही। अच्छा हाँ लोग चंद ते पहुंच गए मैं सुता सा। मन बड़ा उठाया तुसा नी, भाभी ने मेरे कोल आके मेरे कान चीका मारिया ने, पैर वाले अंगूठे ते दंदी वड्डी है, मेरे सामने बच्चियां की चपेड़ा मारिया ने, लेकिन मैं नहीं उठाया जी। अच्छा फिर उन्हें बुलाया ए लाहौर नी चबुरजी चौक। हाँ। उतो मंगाया उन्होंने ढोल आला। अच्छा त्रै घंटे उसने ढोल बजाया ने मेरे कन्ना को, डन डिन्ना डिन डक डिन्ना डिन डन डिन्ना डिन डक डिन्ना डिन डन डिन, बड़ा नच रहा की तेरे नाने का उर्से थे है, बड़ा तरह का रह जाए हो रहा है यार पंजाबी है, ढोल की डाप पे मजा आता है यार। ढोल की डाप नहीं होती थाप होती है, लेकिन मैं तुसा की दसना चाहना पापा जी के ढोल बजे त्रै घंटे मेरे कन्ना च, लेकिन मैं नहीं उठा। ढोल की डाप पे भी नहीं उठे? ना जी ना। उस तो बाद महल चो एक आवारा कुत्ता पकड़ के तुसा नी पावी ने आने मेरे कन कुन कोई पौना घंटा उसने वो 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 किया। अच्छा लेकिन मैं नहीं उठा, मैं सोता रहा। यार फिर तो उस कुत्ते ने तुम्हारा मुंह चाटा होगा, तुम फिर ही उठे होगे। एंज करके जब उन्हें मुंह के मतलब पूछे हाथ नहीं लासा ही, कुत्ते ने मुंह चटिया उसी, मैं बस उठ गया। मेरे कहने का मतलब है पुत्र मेरे बच्चे, तू बंदा है के जानवर है? क्या मतलब? और तू इंसान है के खोता है? और तू बंदा है के चवल है? क्या तू यार बंदा के लगड़ बगड़े यार? और मेरे कहने का मतलब है पुत्र ठंडे दिमाग न जरा सोच, मैं कहना चाहना कि मेरी बड़ी गहरी नजर है इन्होंने गलां ते बचे, जेड़िया गलां पापे ने कीतियां ने अपना मौलाना ने मिये नाल, सारी एक एक गल का मैंने पता है। नजम सेठी की खुफिया चिड़ी का ना सुने? हाँ हाँ बिल्कुल। असल चो पहले मेरी चिड़ी सी, एक एक अंदर नी रिपोर्ट मेरे को लोनी है बेटे, इस वास्ते मैं दस्ता नहीं लोगों की तजी है बहुने। अच्छा मैंने पता क्या गल हुई? अच्छा तुम्हारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं? जी कुछ थोड़ा सा बताओ ना हमारे व्यूवर्स को, उनके दरमियान में क्या बात हुई थी? सब तो पहले ते मौलाना ने जिस वेले फोन किया है ना अपना के ना मिये नवाज शरीफ ते उस एन करके रिसीवर पकड़िया कन की लाया, PTCL तो कर देना मोबाइल तो जरा कट होना बाहर ने मुल्क, ठीक है? ते उसने मिलाया 00। अच्छा 44। अरे वाह तुम्हें तो कोड भी पता है। मैं कोमे चा या मेरे कोई जिस्मानी प्रॉब्लम है या मेरा ज़हनी तोज़न ठीक नहीं या मैं पागल खाने चो दौड़ के आया बेवकूफ आदमी। 00 44 एंज करके मिलाया ते बेल गई है टड़ोम। 00 44 पे बेल चली गई यार। हाँ ना वो कैसे? अगला नंबर दस दवा मैं लोका की ताकि लोग तंग करन मियां की। कोई बंदा फोन करे मियां साहब उठ गए हो, कोई बंदा फोन करे मियां साहब नाश्ता कर लिया, कोई फोन कर रहे मियां साहब तुसी सुते हो, कोई फोन कर रहे मियां साहब कदों पाकिस्तान आसो। इस वास्ते बैठे कुछ नंबर होने ने चोरी जेड़े बंदा एंड करके बस जरा छूंदे हुए गुजर जाओ। 00 44 एंड करके मिलाया अपने पापे मौलाना ने। अच्छा पहली बैल गई टड़ूम। अच्छा ठीक है। दूजी बैल गई टड़ूम टड़ूम। अच्छा त्रीजी बैल गई ट्रम 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 ट्रम। बैलें जाती रहेंगी कि मियां साहब फोन भी उठाएंगे? मियां साहब वॉशरूम च ने कर रहे हैं यार, मियां साहब की पत्थर देने या मियां साहब कच देने जेड़े वॉशरूम नहीं जा सकते, उन्होंने भी मेद है, उन्होंने भी मसाना है, वॉशरूम जाना बंदा शेव करता नहाता शावर लेना बड़ी चीजा ने बचे यार, वो बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, बात आगे बढ़ाओ। मैं कह रहे हैं कि पहला बार बार जा रही है लेकिन मियां साहब ने वॉशरूम। अच्छा तेन पता वॉशरूम केड़ा है? कौन सा? बरतानिया का। उथे तो कोरोना ने जान कटी है। मियां साहब पहले बाहर निकलन तो हाथ धोसन साबण नाल, ठीक है? उस तो बाद टूटी धोसन फिर बेसन धोसन, ठीक है? उस तो बाद बाहर निकल के सैनिटाइजर लासन ते बैलां जा रही ने टड़ोम टड़ोम। अच्छा टड़ोम टड़ोम ते मियां साहब ने फोन चाया। अच्छा उठा लिया फोन उन्होंने, बड़ी मेहरबानी। हेलो जी मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छे कैसे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, कितने देर से आपको मैं बैलों पे बैले बैलों पे बैले ट्रूम 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 कर रहा हूँ लेकिन आप हैं कि फोन सुनने को तैयार नहीं। बहुत अच्छे। अरे मौलाना साहब हम कभी आपको भूल नहीं सकते, पहली बात तो ये है, देखिए इंग्लैंड आते ही मेरी बीमारियां दूर हो गई, इंग्लैंड आते ही मैं तंदुरुस्त और
तबाह ना हो गया हूँ, आपकी दुआओं से मैं इंग्लैंड पहुंच गया हूँ। देखिए मियां साहब, हमारी दुआओं से नहीं, हमारी कोशिशों से आप इंग्लैंड गए हैं। हमने यहाँ पर हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि आपको इंग्लैंड जाना पड़ा, बल्कि हकूमत को, ये ना होनी हकूमत, ये सिहोनी हकूमत को आपको पाकिस्तान से भेजना पड़ा। आपकी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया आपका, लेकिन आप रेगुलर फोन नहीं करते मुझे। अरे जब भी आपको फोन करते हैं, कभी सर्वेंट उठाता है, कभी कोई उठा लेता है, लेकिन आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए। मैं मोबाइल नंबर पे करूं या पीटीसीएल पे, आप तो हमारा फोन सुनना ही गौरा नहीं करते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना साहब, आपका फोन नहीं सुनेंगे तो हम किसका फोन सुनेंगे। अरे छोड़ दीजिए, आप हर जा ही हैं, आप जब से पाकिस्तान से गए हैं हमें बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करते। अरे क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपकी भतीजी से कहा है कि आप पीडीएम के सरबराह हैं, जहां जहां मौलाना साहब जाए उनके पीछे पीछे जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, भतीजी भी हमारी बातें कब सुनती है, वो तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पीपल्स पार्टी को तरजीह देती है, कभी बिलावल से मीटिंग करती है, कभी जरदारी से करती है। अरे देखिए ये सारा कुछ मैंने खुद करवाया था। अरे जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते, आप हमारे भाई है। अरे हम आपके भाई नहीं है, हम आपके रकीब बन जाएंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप और हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे जाइए, हम आज के बाद आपसे रूसे हुए हैं। क्यों यार, बहुत अच्छे पापे यार, एक मिनट के लिए तुम मेरे पे सख्ता तारी हो गए कि जैसे लाइव कार मिल गई इन दोनों के दरमियान। मेरे कहने मतलब है पापा जी के दो अनजड़ी गल हुई है ना, तुसा की सारी मैं सुनाई छोड़ी है, ठीक है। बस बाकी गल्ला ओले दी होनी है ना, जरा सारी गल्ला नहीं खोल के कर सकने। उस तो बाद जेड़ा मौलाना साहब ने किया जरदारी साहब की फोन, जरदारी साहब ने उन्हें किया को जरा फिर लारे चलाते जरदारी साहब पूछो के कर दे, सबज चंडा नहीं बखाने ना ग्रीन चंडी बखाने, कन्ना दे विच लांदे ने हेडफोन ते पिछो पला के ऑन कर दे। जीए सिंध, जीए सिंध वाला, जीए सिंधी टोपी अजरक वाला, जीए जीए सिंध, जीए सिंध वाला, जीए। बस इन नेत्राने सुना के ते मौलाना की जरा गुमराह करने ते मौलाना साहब उन्होंने ये गलत चाहे हुए। बाकी गलत मेरे को ना पूछी, इस वास्ते कि किधर मैं ही ना पकड़ा जाऊं। नहीं नहीं नहीं, अपना थोड़ा सा कुछ और अपना इसके बारे में बताओ ना यार। हमें यार मेरे को इतना टाइम नहीं है, मैं बस इतना ही दस सकना, तेरी मेहरबानी है यार। सुन नहीं, सुन नहीं तो मैं चावल तेरे कैमरे शैमरे ते बंद करा। प्लीज प्लीज, प्लीज। ओ, तू बंदा का चावल है, अच्छा अच्छा, बंदा के होता है, और तू बंदा के चाहले, और तू बंदा के लुम्बड़े, और तू बंदा के दुम्बा, और तू बंदा के खचन है। मेरे बच्चे जरा ठंडे दिमाग में गल करया कर। अच्छा चलो ठीक है, हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं तुमसे दूसरे बारे में डिस्कस करता हूँ। यारो तुम्हें पता चला कि माशाल्लाह वो मोहम्मद अली सरपारा साहब जिन्होंने इतनी सर्दी में केटू को सर किया है जी, इतनी शदीद सर्दी में, तो वो उनके साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया कि वो अभी मिल नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सब तो पहली गलत है यार, रजी राजपूत है, वाजिद खान ऑफिशियल नहीं बजा, तो मैं लोगों की मना करना चाहना। कुछ लोग ने जेड़े गल की जरा मजाक है छपाई छोड़ने, मतलब ज्यादा नहीं जरा मजाक है छपाई छोड़ने, मैं उन लोगों की नसीहत करना चाहना कि पापा जी ए जेड़े केटू की सर करण या कोई एक पहिया वाली साइकिल चला के नाम बनाए, या कोई एथलीट बने, या कोई अग की मशल लेके भजे, या फुटबॉल खेले, या बॉक्सिंग खेले, या पहलवानी करे, जेड़ा भी बंदा असल च काम करना है ना, किसना बनाना पाकिस्तान, पाकिस्तान का। अगर ए केटू नी पहाड़ी सर करने न, पहले भी करने लोग, तो ऊपर झंडा किसना लहरा सी पाकिस्तान, पाकिस्तान ना। सब तो पहले पाकिस्तान ने झंडे की सलाम करो, उस तो बाद जेड़े जेड़े असा ने कौमी हीरो ने, चाहे वह एक्टर ने, चाहे डायरेक्टर ने, चाहे को पैमान ने, चाहे जेड़ी जेड़ी गेम च ने, जेड़ी जेड़ी जाई ते ने, उन्हें सारे की सलाम करो, क्योंकि वो साडे कौमी हीरो ने। बिल्कुल, और जेड़ी जाई ते भी जासन चलिया पाकिस्तान ना बढ़ा सन, इस वास्ते इन्हां लोगों ते मजाक मजूक कट करो, इन्हां सारे हीरों की सलाम पेश करो, ते इन्हां तो ज्यादा सलाम पता किसकी पेश करो, किसको? पाक आर्मी की। बिल्कुल बिल्कुल, साड़ी पाक आर्मी पता कितनी मेहनत कर रही है, बहुत। पहली गलती है जेड़ा को पैमा है, हले तक तो रिपोर्ट है के गुम हो गए, ये रिपोर्ट नहीं के दुनिया तो चले गए। बिल्कुल, खुदा ना खास्ता, दुनिया तो लोग जाने भी ने, आंदे भी ने, जिंदगी इंजी चलनी है, लेकिन पहली दुआ है कि अल्लाह करे बच जुलन, जेड़ी जाई तेने सेफ रहन, ते असा नहीं जेड़ी अपना पाक आर्मी है उन्हें लभ ले, क्योंकि पाक आर्मी तुसा तक हेलीकॉप्टर ते लभ रही, कमांडोज भेज रही है, लेकिन वो बंदे लभ नहीं रहे। बिल्कुल पापे, वो फिजाई ऑपरेशन तो कर रहे हैं, वो नीचे पहाड़ों में बर्फबारी में भी उनको ढूंढा जा रहा है। ओए पाकिस्तान दी आर्मी है, पाकिस्तान इस तन पता है मावा के करनी है ने? क्या शेर पैदा करनी है ने, शेर। बिल्कुल, बिल्कुल। एक पाकिस्तानी आर्मी है, मैं इस आर्मी की सलाम पेश करना, सिर्फ इस वास्ते कि तुसा बार्डर ते जागने हो, ते असा अपने घर सुकून नाल सोने हैं। बिल्कुल, असा नहीं दुआवां तुसा ने नाल ने, पाक परवरदिगार सदका पंचतन पाक दा तुसा की हमेशा तंदुरुस्त रखसी, कायम दायम रखसी, ते जेड़ियां साडियां मावां जिन्हां दे बच्चे शहीद हो गए, जिहड़ियां साडियां भैणां जिन्हां दे भरा शहीद हो गए, जिहड़ियां साडियां दुइयां भैणां जिन्हां दे खामन शहीद हो गए, उन्हां की अल्लाह हौसला दे सी, ते अपने पापे भरा नी एक गल याद रखो बाजीओ भैणो, ए जितने भी दुनिया तो शहीद होने, ए मरने नहीं,
शहीद जिंदा रहने, इस वास्ते इन्हां वास्ते हमेशा दुआवां ने, ते पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, एक बारी दोए रल के जरा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।